आपको इतनी तादाद में जो हमारे समाज की महिलाएं बैठी हुई है, वो भारतीय धर्म को बचाने के लिए बैठी हुई है। जो ये आरएसएस की औलादे हैं, जो गोडसे की औलादे हैं, जिस तरह से देश के अंदर प्रयात्न करके देश की जो आवाम है, देश की जो जनता है, उन्हें शांति से रहने नहीं देना चाहती है। और कभी एनपीआर सीएए एनआरसी जैसे घटिया कानून ला करके इस देश की आवाम को परेशान करने का जो काम किया जा रहा है, इसे पूरे देश की जनता नाकार चुकी है। यह जो कारवां दिल्ली के शाहीन बाग से चला है, हम लोग किसी जाति धर्म को बचाने के लिए यह लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। यह भारत का जो संविधान है, आप लोग शांति थोड़ा सा बनाइए। या जो भारत का जो संविधान है, संविधान में जिन शब्दों का प्रयोग किया गया है, हम उन्हें बचाने के लिए एकजुट है। संविधान में जो धर्मनिरपेक्षता की बातें कही गई है, हम कहा इस्लाम को बचाने के लिए खड़े हैं, हम कहा हिंदुस्तान को बचाने के लिए खड़े हैं। हम समता, समानता, बंधुता, जो संपूर्णता की बातें भारतीय संविधान में कही गई है, धर्मनिरपेक्षता की बातें संविधान में की गई है, और विचारों की जो अभिव्यक्ति है, सभी को समान अवसर दिया गया है। हम उस संविधान को बचाने के लिए पूरे देश में एकजुट है। और हम बिहार में गर्व होना चाहिए कि पूरे देश में शाहीन बाग में एक बड़ा आंदोलन चल रहा है, तो वहां की महिलाएं डटी हुई है। और पूरे देश में अगर सबसे ज्यादा कहीं आंदोलन हो रहा है तो 125 जगह पर बिहार में हो रहा है। इस तरह की सभाएं हो रही है और बिहार युद्ध भी करती रही है। क्या जरूरत था एनपीआर का? अरे सेंसस तो होता ही था ना, जनसंख्या तो होता था ना। अगर आपको सेंसस करना ही है ना, तो जिन जातीय व्यवस्था के चलते भारत का देश गुलाम रहा, आप गुलामी की जंजीरों में हम लोगों को जकड़े रहे, आप जातीय जनगणना करवाइए ना। नागरिकता को तो पैमाना था, उन्हें सब बचपन से बना हुआ है। तो आप इस कानून के तहत जिस तरह से पाकिस्तान के अगला इंसानी को नागरिकता दिए है और सभी को आप दे सकते थे, तो ये आप देश की जनता को, तो देश की जनता ने आपको बहुमत दिया है। उस बहुमत के खिलाफ भारत एक ऐसा देश बन गया है। मैं इंटरनेशनल मीडिया, सभी इंटरनेशनल मीडिया के अखबारों को पढ़ता हूँ, उन्होंने लिखा भारत आज अपनी आत्मा को बचाने के लिए सबको पर लड़ रहा है, चाहे जंगल मीडिया हो, चाहे जेएनयू हो, सभी साथी आपको सभी साथियों ये कहते हैं, ये क्रोनोलॉजी समझाते हैं। अभी दलितों की बस्तियों में जाकर करके मैं दलित हूँ, मैं मोदी को ये बोलना चाहता हूँ, उस केंद्र अमित शाह को बोलना चाहता हूँ, वो जो गृह मंत्री है जिसको समझ में नहीं आ रहा है, ये कहते हैं कि हम पाकिस्तान के दलितों को भारत की नागरिकता दे। अरे यहाँ के दलितों को तुम घोड़ा पर चढ़ने नहीं दे रहा, बराबर डालने के लिए नहीं दे रहा, शिक्षा नहीं दे रहा, रोजगार नहीं दे रहा, तुम क्या करोगे पाकिस्तान के दलितों को? यहाँ के दलित जो इतनी 20 करोड़ की आबादी है, जो 20% जनसंख्या है, यहाँ के दलित आदिवासियों को आप जंगलों से आदिवासियों को भगा रहे हैं, दलितों को टॉर्चर कर रहे हैं। हम लोग एक साथ हैं। और एनआरसी आप नाराज का टाइम हो रहा है, हम अपनी